किसान साथियों, जिप्सम नहीं मिलने पर जिप्सम का अल्टरनेट क्या है, खेती में जिप्सम के बदले क्या यूज़ कर सकते हैं, इस पर आज इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो किसान साथियों, जिप्सम को भू सुधारक, जमीन सुधारक के तौर पर जाना जाता है, यूज़ करते हैं और इससे ऐसा माना जाता है कि ज़मीन में सुधार आता है। तो किसान साथियों, अभी दौर चल रहा है गर्मी का, खेतों में हके जोती हो रही है, कोई प्लो से पलटी दे रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से दूसरे तरीके से खेत जोत रहे हैं और साथ ही साथ ज़मीन को सुधारने के लिए जिप्सम का भी प्रयोग करते हैं। तो किसान साथियों, आज के वीडियो का विशेष टॉपिक यह है कि यदि जिप्सम अपने को नहीं मिल रहा है तो उसके बदले में अपन क्या यूज़ करें। तो इससे पहले अपन थोड़ी नज़र यह डाल लेते हैं कि जिप्सम आखिर होता क्या है, क्योंकि अपन उसको बारीकी से समझ जाएंगे ना तो इसका अल्टरनेट भी अपन को मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं अपन जिप्सम होता क्या है और साथ साथ जिप्सम काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जिप्सम के अंदर कैल्शियम सल्फेट आता है, जो कैल्शियम सल्फेट के साथ ही अदर जो मिश्रण होता है उनको मिलाकर जिप्सम तैयार करते हैं और इसको अपन खेती में यूज़ करते हैं। अब किसान साथियों, थोड़ी नज़र अपन पीछे बैकग्राउंड में डालें तो जो पहले के समय गन्ने की जो फैक्ट्रियां होती थी, गन्ने के जो मिल होते थे, उसमें जो वेस्ट निकलता था उसको खेत में यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, बोला जाता था किसानों को, लेकिन उस समय इसका इतना उपयोग नहीं होता था। कारण दोस्तों, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले की बात करें, उस समय ज़मीनें इतनी ख़राब नहीं थी, इतनी जिप्सम देने की ज़रूरत नहीं थी। और अब अपन रासायनिक खाद यूज़ कर रहे हैं, बार बार फसल ले रहे हैं, साल के तीन तीन चार चार फसल ले रहे हैं, तो आखिर ज़मीन के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी कमी आ रही है, साथ ही साथ अपन रासायनिक खाद ज़्यादा दे रहे हैं तो ज़मीन हार्ड हो रही है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम पड़ रही है और फसलें अब कमज़ोर होने लग गई है, या फिर अपन फसल का अच्छा उत्पादन ले रहे तो बहुत ज़्यादा अपने को खातों का प्रयोग करना पड़ रहा है और उन्हीं खातों से वापस ज़मीन ख़राब होती जा रही है। दोस्तों, गन्ने की फैक्ट्री से जो पुराने समय में जो वेस्ट मिलता था, जो रॉ मटेरियल मिलता था, वो बिल्कुल फ्री में मिलता था, क्योंकि वो उन फैक्ट्री वालों को काम नहीं आता था। जो उनको शुगर बनानी होती या गुड़ बनाना होता, उसके बाद में जो मटेरियल निकलता था वो जिप्सम के रूप में काम में लेते थे, वो मटेरियल उनका कोई काम नहीं आता था। तो किसानों को बोलते थे कि भाई आप इसको यूज़ करिए, खेती में अच्छा काम आएगा, लेकिन उस समय ज़मीन अच्छी थी तो इनका यूज़ करने का उचित नहीं था, करते नहीं थे। अब दोस्तों, बात करते हैं अभी की। अभी हम जिप्सम देना चाहते हैं लेकिन जिप्सम नहीं मिल रहा है, यदि जिप्सम आपको अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह क्या यूज़ करें। तो दोस्तों, जिप्सम कहाँ काम करता है? दोस्तों, जहाँ हल्की ज़मीन होती है, जहाँ रेतीली ज़मीन होती है, वहाँ जिप्सम का अच्छे से काम होता है, क्योंकि दोस्तों उसमें जो फसल होती है उसमें वज़न नहीं होता है, उस ज़मीन की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो बहुत ही कम होती, न के बराबर होती है। तीसरा दोस्तों, वहाँ जो फसल पैदा होती है, जैसे लहसुन हुआ, प्याज हुआ, तो इनकी जो कीपिंग क्वालिटी है, कीपिंग क्वालिटी मतलब जो अपन फसल ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसके बाद में उस फसल को कुछ समय के लिए रखते हैं तो फसल वो जल्दी ख़राब होती है, तो उसकी कीपिंग क्वालिटी कमज़ोर होती है ऐसी ज़मीन में, तो ऐसी ज़मीन में जिप्सम देना ज़रूरी होता है, तो ताकि वहाँ की जो फसल है उसकी वज़न बढ़े, उसकी ज़मीन जो है ना उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, पानी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए, और तीसरा कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाए। जो भारी ज़मीन होती है, जहाँ गहरी ज़मीन होती है, काली ज़मीन होती है, उपजाऊ ज़मीन होती है, तो दोस्तों वहाँ पर जिप्सम की डिफिशेंसी नहीं देखी गई है, नहीं होती है। तो ऐसी जगह में क्या होता है? ऐसी जगह में दोस्तों फॉस्फोरस, फॉरेस्ट सल्फेट, ये देने की अपने को ज़रूरत रहती है, ताकि वहाँ की ज़मीन अच्छी उपजाऊ बन जाए, अच्छे उत्पादन दे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बात हो रही थी जिप्सम नहीं मिलने पर क्या दें और बात कहीं और जा रही, तो दोस्तों इन सारे टॉपिक को कवर करना ज़रूरी है। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पर, जो हल्की ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है, जहाँ फसल में वज़न नहीं होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है
और कीपिंग क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। तो ऐसी ज़मीन में अपन यदि जिप्सम नहीं मिल रहा तो क्या दें? हल्की ज़मीन में कीपिंग क्वालिटी बढ़ाने के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए दोस्तों जो अल्टरनेट अपन यूज़ करेंगे उसमें वज़न बढ़ जाएगा और कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी, इसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, दो चीज़ों पर अच्छे से काम करेगा जो अपन इसका अल्टरनेट जिप्सम का अल्टरनेट यूज़ करेंगे। तो दोस्तों वहाँ पर अपन मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ कर सकते हैं। यदि आपकी हल्की ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है और जिप्सम नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर अपन कैल्शियम सल्फेट यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी फसल का वज़न बढ़ जाएगा और जो कीपिंग क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये क्लियर हो गया होगा कि जिप्सम नहीं मिलने पर अपन उसका अल्टरनेट क्या यूज़ कर सकते हैं। उसमें सिर्फ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो नहीं बढ़ेगी, बाकी फसल का वज़न बढ़ जाएगा, कीपिंग क्वालिटी उसकी सुधर जाएगी और अच्छे से अपना उत्पादन मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो में जिप्सम के अल्टरनेट की जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।